मनमोहन चावला जी और चेयरपर्सन श्रीमती मधुप्रीत कौर चावला जी एवं विश्वविद्यालय के हमारे सभी शिक्षकगण, सभी शिक्षा जगत से जुड़े हुए विद्वान और इस सभागार में उपस्थित जिनके निमित्त आज बहुत ही शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, ऐसे सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आज अटल इनोवेशन सेंटर का यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। आज विद्या के इस पावन मंदिर में उपस्थित होकर आप सबके बीच में आकर मैं स्वयं को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और जब विश्वविद्यालय के अंदर आ रहा था तो मैं भी लंबे समय तक विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ, तो मुझे भी अपने वो बचपन के दिन, जिन दिनों में आजकल आप लोग हैं, उन सभी दिनों की स्मृति पुनः ताज़ा हो गई। और मैं अभिभूत हूँ आप सबके बीच में आकर। और एक बात, जैसा आदरणीय लल्लू भैया कह रहे थे कि मैं दो प्रकार के कार्यक्रमों में अवश्य पहुंच जाता हूँ, भगवान की भी कृपा और मेरी इच्छा भी होती है। एक तो कोई सैनिकों का कार्यक्रम हो तो उस कार्यक्रम में मेरी कितनी भी व्यस्तता होती है, मैं कोशिश करता हूँ कि उस कार्यक्रम में पहुंचूँ। और दूसरा कार्यक्रम जो हमारे प्रिय सभी छात्र एवं छात्राओं से मिलना होता है, तो उस कार्यक्रम में भी अत्यधिक व्यस्त होने के बाद भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं उस कार्यक्रम में पहुंचूँ। तो आज विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम में आना हुआ, आप सबसे मिलना हुआ, आप सबका जोश देखकर, आप सबका उत्साह देखकर कह सकता हूँ कि हमारा भारत आने वाले समय में विश्व गुरु भारत बनेगा। यह विश्वविद्यालय अपने आप में बहुत ही विशिष्ट है, क्योंकि इस विश्वविद्यालय की स्थापना हमारे दशमेश श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के नाम पर हुई है। और इस विश्वविद्यालय ने शिक्षा जगत में अनेकों कार्य के द्वारा अपना नाम रोशन किया है। जैसा मुझे भी बताया गया कि पिछले दिनों कोरोना महामारी के दौरान बहुत सारे काम विश्वविद्यालय के द्वारा लोगों की सहायता करने के किए गए, वहीं हमारे छात्र एवं छात्राओं के द्वारा भी अनेकों से सेवा के काम संचालित किए जाते हैं। भाई बहनों, दशमेश गुरु गोविंद सिंह महाराज जी जहाँ एक और महान योद्धा थे, वहीं दूसरी ओर वो अदिति लेखक, विचारक और विश्व में आध्यात्मिक चेतना का पुनर्जागरण करने वाले विराट व्यक्तित्व थे। और उन्हीं के दो बेटों के नाम से, फतेह सिंह और जोरावर, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा। दोनों ही बेटों को जिंदा रहते हुए उन दोनों को दीवारों पर चुना गया। उन्होंने दबना स्वीकार नहीं किया, झुकना स्वीकार नहीं किया, रुकना स्वीकार नहीं किया और अपने धर्म को छोड़ना भी स्वीकार नहीं किया, भले ही उसके लिए उन्होंने कितनी भी शहादत दी। इसलिए मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे, हम बहुत सारे क्षेत्रों में जाते हैं, अपना नाम कमाते हैं, व्यापार के क्षेत्र में जाते हैं, अनेकों क्षेत्रों में जाते हैं। और आप सबको मेरी शुभकामनाएं कि आप सब लोग भी जीवन के विभिन्न विभिन्न आयामों को छूने का काम करेंगे, शिखर पर जाने का काम करेंगे, लेकिन अमर वही होते हैं, नाम उन्हीं का होता है, हमेशा उन्हीं को स्मरण में रखा जाता है जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने आप को लगाने का काम करते हैं, खपाने का काम करते हैं। शौर्य समर्पण और बलिदान से परिपूर्ण गुरु गोविंद सिंह का जीवन न केवल भारतवासियों के लिए बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और वो हमेशा हमारे लिए एक पाते का कार्य करेगा। वे शिक्षा के प्रचार प्रसार के विशेष महत्व दिया करते थे। उनका मानना था कि शिक्षा समाज में मानवता की पोषक है और उसके नाते उन्होंने हमेशा, जहाँ एक तरफ गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था दशमी जी कि शक्ति रहेगी तो धर्म बचा रहेगा,
इसलिए उन्होंने कहा था 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बात बुलाऊं, चिड़ियों से मैं बात बुलाऊं, गुरु गोविंद सिंह में नाम कहा। आज इस विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक, हमारे विद्यार्थी गुरु गोविंद सिंह जी के आदर्शों को लेकर, अमूल्य विचारों को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और किसी ने ठीक ही कहा है कि किसी देश का वास्तविक धन उसके बैंकों में नहीं, बल्कि उसके स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में होता है। दिखता उदाहरण, जीता जागता उदाहरण मुझे आप सबके बीच में आकर, इस कैंपस में आकर देखने को मिल रहा है। भाइयों बहनों, जब आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से राष्ट्र निर्माण विषय पर चर्चा करने के लिए भी यहाँ पर एकत्र हुए हैं, तो आज राष्ट्र की जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है, और उस शिक्षा नीति ने राष्ट्र के भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को प्रभावित करती है, तथा उसका उत्कृष्ट और सशक्त होना अत्यंत आवश्यक है। आप सबके बीच में नई शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, और लंबे कालखंड के बाद इसके लिए मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने नई शिक्षा नीति उनके दिशा निर्देशन में तैयार हुई है, जिसमें बिंदु से लेकर ब्रह्मांड तक, मनुष्य से मानवता तक और अतीत से आधुनिकता तक सभी बिंदुओं को इसमें छूने का काम किया है, उसका समावेश हुआ है। और नई शिक्षा नीति हमारे समय की भी मांग थी। 150 वर्षों से अधिक समय तक मैकाले और उसके मानस पुत्रों द्वारा भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति को विस्तृत करने का घृणित कार्य किया गया, जिससे भारत की जो युवा तरुणाई है, युवा छात्र हैं, होने वाले हमारे नौनिहाल हैं, हमारे कर्णधार हैं, उस सभी पीढ़ी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इतने वर्षों के बाद जिस शिक्षा नीति की हमको लंबे समय से दरकार थी, लंबे समय से जिसकी आवश्यकता थी, जरूरत थी, वह असल शिक्षा नीति अब देश को प्राप्त हुई है, हमारे छात्र छात्राओं को प्राप्त हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि आजादी के अमृतकाल में नए भारत के निर्माण और सामर्थ्य को सार्थक करने में नई शिक्षा नीति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इस शिक्षा नीति में जहां मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग पर विशेष बल दिया गया है, वहीं एक और कदम देश के सर्वांगीण विकास के लिए भी यह सहायक सिद्ध होगी। वहीं देश की एकता को एक सूत्र में पिरोने का काम भी नई शिक्षा नीति के माध्यम से होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कौशल विकास अभियान के तहत युवा भारत, नया भारत, लगातार उसका प्रोत्साहन हो रहा है। आज दुनिया का कोई भी फील्ड हो, आप देखते होंगे, एक समय भारत की पहचान 2014 से पहले एक लघु भारत के रूप में, कुछ लघु भारत के रूप में दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर अपनी बात न कह सकने वाले भारत के रूप में होगी। हम दुनिया की आंखों में आंखें डालकर अपने हितों की बात भी नहीं कर पाते थे। आज भारत दुनिया के हर क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है, दुनिया को लीडरशिप दे सकता है, दुनिया को राह दिखा सकता है, चाहे कोई फील्ड हो, हर फील्ड में आज भारत की बात को गंभीरता से लिया जा रहा है। अभी इसका उदाहरण है, देखिए आप, पिछले दिनों रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा था, तो उस युद्ध के समय में भी दोनों ही देश कहीं ना कहीं भारत की ओर देख रहे थे। जो हमारे वहां के बेटे बेटियां बड़ी संख्या में यूक्रेन के अंदर थे, उन बच्चों को भी जब बाहर आना था, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने रूस और यूक्रेन दोनों के ही राष्ट्रपतियों से बात करी, और 3 दिन का 4 दिन का युद्ध विराम हुआ, सारे के सारे बच्चे वहां से बाहर निकले। इतना ही नहीं, भारत के सारे बच्चे तो तिरंगा लेकर बाहर निकले ही निकले। वहीं ऐसे देश जो हमारे बारे में तमाम षड्यंत्रों को करने में आगे रहते हैं, तमाम प्रकार से हमारी विफलता को मन से मनाते रहते हैं, तमाम आतंकवादी गतिविधियों को, जिहादियों को, अलगाववादियों को लगातार उकसाने का काम करते हैं, लगातार बढ़ाने का काम करते हैं, उस देश के भी बच्चों को यूक्रेन से बाहर निकलने के लिए अपने कंधों में भारत का झंडा लेना पड़ा। और वही उसके
आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई शिक्षा नीति में जो विशेष प्रावधान किए गए हैं वो आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होंगे। इस शिक्षा नीति को इस रूप में लाने के लिए सरकार के साथ साथ हमारे जैसे विश्वविद्यालय हैं, हमारे शिक्षाविद हैं, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है, उनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। यह महान कार्य तब पूरा होगा जब नई शिक्षा नीति पूरे रूप से पूर्ण रूप से पूरे भारत के अंदर लागू हो जाएगी। इसको हम सब लोगों ने मिलजुल कर करना है। मुझे प्रसन्नता है कि नई शिक्षा नीति को लागू करने के इस अभियान में हमारे शिक्षा जगत के सभी शिक्षकगण, सभी विद्वान, सभी विश्वविद्यालय अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, बड़े उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं। और यह भी बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद देश के किसी भी क्षेत्र में किसी भी वर्ग से बात नहीं उठी कि इसमें किसी तरह का पक्षपात किया गया हो या किसी एक पक्ष विशेष की ओर इसका विशेष झुकाव रहा हो। भाई बहनों, मुझे आप सबको बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि जिस राज्य का मैं सेवक हूँ उस राज्य ने देश का वो प्रथम राज्य है जहाँ स्कूली शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 को लागू किया है। आप सभी नई शिक्षा नीति को लागू करने से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, इसलिए आपकी भूमिका इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि आप सभी अपनी इस भूमिका के साथ न्याय करेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसे नए भारत के निर्माण में लगे हैं जिसमें आने वाली नई पीढ़ी का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। और उन्होंने जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना की है उसके भी आधार बिंदु पर, उसके केंद्र बिंदु पर अगर कोई है तो हमारी तरुणाई है, हमारे नौजवान हैं, हमारे युवा हैं, यहाँ के छात्र छात्राओं के उत्साह और विश्वविद्यालय के कार्य को देखकर लगता है कि यह विश्वविद्यालय ऐसे नए भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुझे बताया गया है कि यहाँ छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न गांवों में जाकर तमाम प्रकार के जागरूकता अभियान को चलाने का भी काम किया गया है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए मंत्र सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास को चरितार्थ करते हुए विश्वविद्यालय, अस्पताल और डेंटल कॉलेज के माध्यम से जनसेवा के कार्य में लगा हुआ है। अभी हम लोगों ने अंदर सेंटर में जाकर तमाम प्रकार के डेमो देखे, तमाम प्रकार के जो वहाँ पर अध्यापन का कार्य चल रहा है, शिक्षा अर्जन का काम चल रहा है, वो अपने आप में बहुत ही सराहनीय है। मैं इस अवसर पर यहाँ उपस्थित छात्र छात्राओं से कहना चाहता हूँ कि आप सभी देश का भविष्य है। आप सभी अपने जीवन का लक्ष्य तय करिए, संकल्प ले लीजिए कि हमको कहाँ जाना है, हमको किस दिशा में जाना है, हमको क्या बनना है। और एक बार संकल्प लेकर उसमें विकल्प को मत तलाशिए, क्योंकि संकल्प में अगर विकल्प आ गया तो संकल्प वहीं छूट गया, रास्ते हमारे वहीं छूट गए, मंजिल हमसे ओझल हो गई, रास्ते हमारे भटक गए, सपना हमारा टूट गया। अगर संकल्प में विकल्प नहीं लाएंगे तो संकल्प निश्चित रूप से सिद्ध होगा। क्योंकि कहते हैं कि कोई भी मनुष्य उस सब के अंदर कहीं ना कहीं परमात्मा का वास है, भगवान का वास है, उसके अंदर तमाम प्रकार की शक्तियां हैं जो ईश्वर द्वारा प्रकट है। कहते हैं ए मनुष्य निज को तू जान, ए मनुष्य निज को तू जान, अपनी शक्ति को पहचान, तेरी आत्मा में बसे हैं भगवान, ए मनुष्य तू बड़ा महान, ए मनुष्य तू बड़ा महान। आज आपके सामर्थ्य से लाभान्वित होने के लिए समूचा विश्व, समूचा भारत आतुल है। मुझे विश्वास है कि आप सब अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण समर्पण के साथ निभाएंगे। मुझे प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय द्वारा इस ज्ञान वर्धक जो आज ये व्याख्यान माला थी आप सबसे मिलने का अवसर प्रदान हुआ। अटल इनोवेशन सेंटर का भी यहाँ पर आज लोकार्पण हुआ, उद्घाटन हुआ। आप सब ने मुझे इसमें सम्मिलित होने का अवसर दिया, विशेष रूप से बल्लू भैया का, आदरणीय बल्लू भैया का मैं धन्यवाद करता हूँ। वो अक्सर हमको जो है बहुत सारे कार्यक्रमों में इसी प्रकार से बुला लेते हैं और सबसे मिलने का अवसर प्रदान करते हैं। आज तो मुझे सभी तरुणाई से, सभी नौजवानों से, सभी हमारे छात्र छात्राओं से मिलने का आपने अवसर प्रदान किया। विश्वविद्यालय के हमारे चावला जी का,
मधु जी का और कालराज जी का, उनकी पूरी टीम का, सबका मैं धन्यवाद देते हुए और भव्य आयोजन के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।